दोस्तों बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर इस दिनों अपने हालिया फिल्म सिंगम अगेन में विलेन के किरदार को लेकर चर्चा में है इस फिल्म में उनका रोल काफी दमदार है हालांकि इसी बीच उनके और मलाइका अरोड़ा के ब्रेकअप की खबरें भी अक्सर मीडिया में सामने आती रहती है दोनों ने कभी भी खुलकर इस मुद्दे पर बात तक नहीं की लेकिन अब साफ हो चुका है की उनका रिश्ता खत्म हो गया है हाल ही में अर्जुन कपूर ने एक इवेंट में अपने अकेलेपन और मानसिक स्थिति के बारे में खुलकर बात की दोस्तों अर्जुन ने बताया कि जब उनकी मां का निधन हुआ और उनकी बहन असूल पढ़ाई के कारण घर से बाहर निकली थी तब उन्होंने अकेलेपन का सामना किया इस मुश्किल समय में उन्होंने खुद को मानसिक रूप से संभालने के लिए थेरेपी का सहारा लिया दोस्तों अर्जुन ने आगे कहा कि साल 2014 में जब उनका करियर अच्छा चल रहा था तब भी वह अकेलेपन से जूझ रहे थे लेकिन उन्होंने इसे जल्दी पार किया उन्होंने अपने जिंदगी में सेल्फ केयर की अहमियत पर जोर दिया और बताया कि खुद पर ध्यान देना स्वार्थ नहीं उनका मानना है कि कभी कभी खुद के साथ समय बिताना और अपनी भावनाओं को समझना बेहद जरूरी है खासकर जब सब ठीक नहीं चल रहा हो दोस्तों अर्जुन ने यह भी कहा कि वह निजी जिंदगी के बारे में ज्यादा खुलकर बात नहीं करना चाहते क्योंकि उनके लिए बहुत ही व्यक्तिगत है वह उन्होंने बताया कि साल 2019 से मलाइका अरोड़ा के साथ उनका रिश्ता था लेकिन अब वे दोनों अलग हो चुके हैं दोस्तों ये साफ है कि अर्जुन कपूर ने अपनी निजी जिंदगी के बारे में हमेशा ही सेम रखा लेकिन अब उन्होंने उस दौर की चुनौतियों के बारे में चर्चा की जिससे वो गुजर चुके हैं वैसे दोस्तों अर्जुन और मलाइका की जोड़ी आपको कैसी लगती थी आप कमेंट कर अपनी अमूल्य राय जरूर देना